आज की वीडियो में इस एनसीईआरटी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पारजीनी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए। तो जानते हैं इसको। जब किसी इच्छित लक्षण वाली जीव की जीन को जीवाणु को जीनोम में प्रविष्ट कराया जाता है तो विदेशी जीन युक्त जीवाणु को पारजीनी जीवाणु कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब कोई इच्छित लक्षण वाली जीव, मान लीजिए कि ये कोई जीव है और इस जीव के अंदर एक ऐसा लक्षण पाया जा रहा है कि ये मान लीजिए 10 दिनों तक भूखा रह लेता है। ये जीव, इसके अंदर ऐसा लक्षण पाया जा रहा है। तो अब ये जो लक्षण पाया जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई ना कोई जीन होगा, कोई जीन होगा जिसकी वजह से 10 दिन तक भूखा रह लेता है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला लक्षण किसी दूसरे में भी चला जाए, किसी दूसरे जानवर के अंदर भी ये लक्षण आ जाए कि वो 10 दिनों तक भूखा रह ले। तो इच्छित लक्षण वाली जीव की जीन को जीवाणु के जीनोम में, तो इसको क्या किया जाए? अब इसके अंदर पता लगा लेंगे कि कौन सा जीन है जिसकी वजह से 10 दिनों तक भूखा इसको रख पा रहा है। तो उस जीन को क्या करेंगे, बाहर निकाल लिया। और बाहर निकालने के बाद इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया, इस जीन को। तो अब ये बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया है मान लीजिए, और इसके अंदर ये वाला जीन डाल दिया गया। तो अब इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो जीन आ गया है तो अब इस जीवाणु को कहेंगे कि ये कैसा हो गया, ये पारजीनी जीवाणु हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक जीव का कोई लक्षण हम चाहते हैं वो दूसरे में डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले उसको निकाल करके किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया। तो अब इस बैक्टीरिया को कहेंगे पारजीनी जीवाणु। अब उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मानव इंसुलिन आनुवंशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे शरीर में जब ज़्यादा शुगर हो जाती है तो उसको ये बैलेंस कर देता है। तो अब जिन लोगों को इंसुलिन इसी की वजह से हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, जब इंसुलिन का तो ज़्यादा मात्रा में निकलना होता है या कम निकलता है तो फिर शुगर की बीमारी हो जाती है। तो अब इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, जो लोगों को इंजेक्शन लगते हैं शुगर की बीमारी में तो उसमें यही इंसुलिन होती है, जो टैबलेट खाई जाती हैं तो उसमें इंसुलिन होती है। तो मानव इंसुलिन आनुवंशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया, तो इसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया, ये जो इंजेक्शन में जा रहा है इंसुलिन, दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो हम यहाँ पर चित्र में मान लेते हैं ऐसे समझने के लिए कि ये एक चेन है, ये एक चेन है। तो ये क्या है, इंसुलिन, दो पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब होता है बहुत, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड यानी बार बार किसी अणु के जुड़ने से एक लंबी चेन बनी। तो एक इधर चेन आ गई, एक इधर चेन आ गई, और कह रहे हैं कि ये चेन मान लीजिए एक ए है और एक ये बी है, तो जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। तो अब ये यहाँ पर एक बंध होगा, बॉन्ड होगा जिसके जरिए जुड़े हैं, तो ये कैसे हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप दो डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया। तो ये तो था एक इंसुलिन का स्ट्रक्चर कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन है और डाइसल्फाइड से जुड़ी हुई है। तो अब क्या किया गया, अब सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर डीएनए में बनाया गया, डीएनए का एक तैयार किया गया बिल्कुल ऐसे ही, दो चेन वाला और डाइसल्फाइड वाला अनुरूप दो डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मे में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। तो अब इसको क्या किया गया, डीएनए को इसी तरह से बिल्कुल सेम बनाया गया, और उसको ई कोलाई, एक बैक्टीरिया होता है यानी एस्केरिकिया कोलाई, उसके अंदर इसको प्रवेश करा दिया गया। और इसको जब प्रवेश कराया तो जो बैक्टीरिया होता है तो उसका अपना एक मेन गुणसूत्र होता है और एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, इस अतिरिक्त गुणसूत्र को ही कहते हैं प्लाज्मिड। तो इसको जो प्रवेश कराया गया है ये अनुक्रम डीएनए वाले को, तो प्लाज्मिड के अंदर प्रवेश कराया गया है। और जब प्लाज्मिड में प्रवेश करा दिया गया तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंसुलिन बनने लगा इस बैक्टीरिया के अंदर, यही ट्रांसजेनिक जीवाणु है। तो अब इस जीवाणु को ही, कि ये जो जीवाणु है ये खुद अपने शरीर के अंदर इंसुलिन बनाने लगा है, अब इसी को ही पारजीनी जीवाणु या इंग्लिश में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। स्यूडोमोनास जीवाणु का ट्रांसजेनिक रूप तैयार किया गया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, ये तो एक बैक्टीरिया का उदाहरण था, दूसरा उदाहरण है कि स्यूडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा भी एक पारजीनी रूप तैयार किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो समुद्र में
तेल रिसाव से होने वाले प्रदूषण को रोकने में सक्षम है। इसी तरह से एक स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को भी तैयार किया गया है पारजीनी रूप से, और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो समुद्र में बड़े बड़े पानी के जहाज चल रहे हैं तो उनसे जो है ऑयल का रिसाव भी होता रहता है, समुद्र में बराबर जाता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु ख़त्म हो रहे हैं। तो अब वो जो तेल निकल रहा है वो जीव जंतुओं को ना मारने पाए, यानी कि एक प्रकार से तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यानी कि तेल का प्रदूषण वहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से जीव जंतु मरेंगे। तो अब जीव जंतु ना मरे उसको रोकने के लिए क्या किया कि इस बैक्टीरिया को बनाया गया है, ये क्या करता है, ये उस तेल को खा करके ख़त्म कर देता है, जिससे बहुत सारे जीव जंतुओं की जान बच रही है।